गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज प्रभा। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी शाम के अराउंड 7 बज रहे हैं, तो चाय भी बन रही है और चाय के साथ बन रही है भजिए। तो भजिए बन रहे हैं ऑनियन के और पत्ता गोभी के। ये देखिए भजिए तल रहे हैं। तो मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया है कि मैंने अपने पड़ोसी को चाय पे बुलाया है, साथ में भजिए के लिए भी बोला है। तो शाम के 7 बजे का टाइमिंग था, तो शाम के 7 बज रहे हैं, तो मेरा भजिया भी तैयार है और चाय भी, और देखिए मेहमान भी आ गए और भजिए और चाय के लुफ्त ले रहे हैं। चाय के बाद अचानक से बारिश शुरू हो गई, तो ये हस्बैंड के जितने भी घर में पहनने के कपड़े हैं तो ये सब दोपहर को धो के टांगे थे बाहर बालकनी में, तो ये सूख गए। तो झटपट फिर अंदर लेकर आ गई हूँ और सबको फोल्ड करके रख दे रही हूँ। तो ये डेली यूज़ के कपड़े हैं। तो अभी बज रहे हैं रात के 9 और मैं बना रही हूँ डिनर। और डिनर में मैं बना रही हूँ बैगन भाजा, मीन्स बैगन फ्राई और रोटी। तो ये बैगन फ्राई हो चुके हैं, देखिए। ये है बर्तन धोने के लिए। मैं भी शाम के बर्तन धोने गई तो मैंने देखा बिल्कुल आखिरी वाला विम बार की टिक्किया बची हुई है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो ये दूसरे दिन की सुबह है। तो मैं रात में बता रही थी कि विम बार की टिक्किया आखिरी वाली बची हुई है, तो ऐसे ही सब राशन पानी सब खत्म हो गया है। मैदा, चावल, आटा, सारे मसाले सब खत्म हो रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे खत्म हो रहे हैं तो खरीदते क्यों नहीं है। तो हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर की कोशिश कर रहे हैं बिग बास्केट में, लेकिन उन लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उन लोग बोल रहे हैं कि उनके पास पहले से इतना ऑर्डर है कि पहले वो वाले उन लोग निपटाएंगे, फिर जाके न्यू ऑर्डर लेंगे। तो अभी इतना रिस्की है बाहर जाने में, मीन्स पड़ोस के ग्रॉसरी शॉप में जाने में भी डर लग रहा है, तो इसीलिए देखते हैं, लेकिन जाना ही पड़ेगा। तो सुबह मुझे कपड़े धोने थे, तो ये देखिए सर्फ का डब्बा, ये सर्फ भी ख़त्म हो गया, मीन्स डिटर्जेंट भी ख़त्म हो रहा है। ये देखिए दाल खत्म हो गया है, घी खत्म हो गया है, चाय पत्ती खत्म हो गई है, बेसन इतने रह गया है, और हम लोग तो डेली भजिया बनाते हैं तो और भी चाहिए। ये आटे का देखिए पैकेट, ये भी खत्म हो गया है। मसाले सारे खत्म हो गए हैं, तो पूरा राशन ही खत्म हो गया है। तो कल वेजिटेबल शॉप आया था हमारे अपार्टमेंट में, तो वहाँ से ये मटर खरीदे थे, लेकिन मैं कल इतना ज़्यादा बिजी थी कि मटर यहीं पे ही बाहर ही रह गया, फ्रिज में मैं डाल नहीं सकती विदाउट छीले, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है। तो इसलिए मैं अभी सुबह छील दे रही हूँ और फिर इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो ये मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, तो मैंने अपने लिए ऑमलेट बनाया, रोटी बनाया, और ये बन रहा है हस्बैंड के लिए। तो पहले ब्रेड के मैंने छोटे छोटे पीस बना लिए, फिर ये ऑनियन और टमाटर और मटर को मैंने फ्राई कर लिया, फिर ये ब्रेड के जो छोटे पीस थे उनको डाल दिया, तो बन गया यम्मी ब्रेकफास्ट। तो चलिए फिर सैया जी को देख कर आते। सुनिए जी, कहाँ हैं? ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ब्रेकफास्ट तो हो गया, उसके बाद मैं जितने कपड़े मेरे वाले थे तो वो वाले मैं धो दिए, मीन्स डेली यूज़ के जो भी कपड़े थे तो उनको धो दिया है। तो मैं वॉशिंग मशीन यूज़ नहीं करती इसके लिए, जो भी डेली यूज़ के कपड़े फालतू में 15 मिनट तक फिर घुमाते रहो वॉशिंग मशीन में, इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, 5 मिनट में ये धुल जाते हैं। तो मैं इनको डेली अपने हाथ से धो लेती हूँ। तो ये सुबह सुबह धो दिया है। ये है मेरा मास्क। तो आप सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन में ये कहाँ बाहर गई थी जो मास्क धोया है। एक्चुअली हमारे अपार्टमेंट में वेजिटेबल शॉप आता है हर थर्सडे को, तो मैं नीचे गई थी वेजिटेबल लेने, तो मास्क लगा के गई थी, तो इसलिए इसको धो दिया है। तो अब चल रही है लंच का प्रिपरेशन। तो मैं बना रही हूँ एग करी, मीन्स ऑमलेट बनाऊँगी, फिर उस ऑमलेट को ग्रेवी में डालूँगी। तो ये हो गया ऑमलेट वाली करी, ग्रेवी वाली करी बना रही हूँ। ये देखिए ऑमलेट की ग्रेवी वाली
यमी करी तैयार है। तो कुकिंग तो सब हो चुकी है, मैंने दाल भी बनाया तो उसको शूट नहीं किया, और मैंने झाड़ू तो पहले ही लगा लिया था सुबह, लेकिन पोछा नहीं लगाई थी। मैंने सोचा पहले कुकिंग निपटा लेते हैं फिर पोछा लगाएंगे, तो अभी बाथ जाना है तो उसके पहले मैं पोछा लगा दे रही हूँ। तो चलिए फिर मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।